Hello students, welcome back to Study Live. So today I'll help you out how to remember long answers in short time. Iske liye na bahut sare method hai. Okay, let us see the first method. If you didn't like that, you can go for the next one. Let us see the first part. Jaise bahut bada paragraph hai, theek hai, usko hum kya karenge, tree diagram ke format mein likhenge. Theek hai, aap khud understand karke isko tree diagram ke format mein likho, which is easy to remember. या तो कुछ डायग्राम ड्रॉ करो विच इज़ नॉट एट ऑल रेलेवेंट, दैट इज ओके, बट कभी भूलेगा नहीं वो चीज़. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड. सेकेंड जो है, सेम पैराग्राफ, अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, इट्स ओके. पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, 8 to 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट करो. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना दो उसका, तो पॉइंट वाइज याद करने में भी बहुत ईजी होता है. ठीक है, उसमें से एक आधा पॉइंट मिस भी हो गया एग्जाम में तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव लर्न सो मेनी पॉइंट्स. ठीक है, एक दूसरा मेथड है विच यू शुड फॉलो, दैट दिस इज द बेस्ट वन. एंड नेक्स्ट है, सेम पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सपोज पॉइंट्स भी बनाने नहीं आ रहा है, देन यू कैन लर्न टू लाइंस. दो लाइन आप याद करो, फिर अपने मन से लिखो, फिर दो लाइन पढ़ो, फिर अपने मन से लिखो. इस तरह से रीड लाउडली एंड राइट इट डाउन, दैट विल हेल्प यू टू बाय हार्ट दैट पैराग्राफ. ठीक है, और एक और तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके दो बार पढ़ लो. आपने जब दो बार अंडरस्टैंड करके रीड किया, उसके बाद बुक बंद करके अपने मन से लिखो. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे मेथड्स फॉलो करते हैं या इसमें से कोई एक मेथड भी फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉमिस है कि आपको जो है पैराग्राफ चुटकियों में याद हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी लाइफ.